Hello everyone. As we are studying about the magnetic effect of electric current in class 10th science. In the magnetic effect of electric current class 10th science subject ke previous video mein humne study kiya tha electric motor ke bare mein. Aur aaj ka hamara jo topic hai वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक जनरेटर. मींस हम यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट वी नीड टू नो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट दैट पॉइंट, टिल नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then force is exerted by the magnet on current carrying conductor, and because of which conductor moves. yani abhi ke video mein humne jo study kiya hai iske pehle jis pe electric motor function karti hai wo ye concept tha ki jab hum kisi aise conductor ko jisme ki current flow kar rahi ho उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, मींस उसको मैग्नेट के पास रखते हैं, तो मैग्नेट एक फोर्स एग्जर्ट करता है. वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या फिर रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, लेकिन मैग्नेट कंडक्टर पे एक फोर्स अप्लाई करता है और उसकी वजह से कंडक्टर में मूवमेंट होता है, यानी कंडक्टर मूव करने लगता है और इसी प्रिंसिपल पे मोटर वर्क करती है. लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है उसी का जस्ट रिवर्स है या अपोजिट है. साइंटिस्ट माइकल फैराडे, इन्होंने 1831 में एक नया ब्रेक थ्रू दिया, एक नया इन्वेंशन किया और उस इन्वेंशन में उन्होंने ये बताया कि अगर कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं या कंडक्टर के पास मैग्नेट को मूव कराते हैं, दोनों चीजें मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को या क्वाइल को अगर हम रोटेट कराते हैं या फिर क्वाइल को स्टेशनरी रखें और मैग्नेट को मूव कराते हैं, इन दोनों ही सिचुएशंस में कंडक्टर में करंट जनरेट हो जाती है, करंट इंड्यूस हो जाती है और यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मींस अगर इसको हम डिफाइन करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए फेनोमेनन इन विच करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेन कंडक्टर और क्वाइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट इज रोटेटेड, मैग्नेट इज मूव्ड नियर बाय ए कंडक्टर. यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो एक एक्टिविटी दी गई, उस एक्टिविटी को थोड़ा सा देख लेते हैं. पहले एक्टिविटी नंबर 13.8, इसमें यह कहा गया है कि एक क्वाइल लीजिए ए बी जिसमें कि नंबर ऑफ टर्न्स हो, जैसे कि यहां पे क्वाइल दिखाई गई, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है और इस क्वाइल को हमने कनेक्ट किया किससे, गैल्वेनोमीटर से, और एक स्ट्रांग बार मैग्नेट जिसमें कि इसका नॉर्थ पोल जो है क्वाइल के टुवार्ड्स मूव कराना है. तो इसके नॉर्थ पोल को क्वाइल के टुवार्ड्स हम मूव कराते हैं और जब ऐसा मूवमेंट होता है, यानी कि इस क्वाइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट को मूव कराते हैं और नॉर्थ पोल को क्वाइल के टुवार्ड्स ले जाते हैं, इस सिचुएशन में ये होता है कि गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आता है, एक शार्ट मोमेंट, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन. मींस वो डिफ्लेक्शन क्या था, बहुत तेजी से होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, शार्ट टाइम इंटरवल के लिए होता है और ये डिफ्लेक्शन राइट की तरफ होता है. ठीक उसी तरह से जब मैग्नेट के पोल को हम चेंज करते हैं, यानी कि अब साउथ पोल को हम क्वाइल की तरफ ले जाते हैं और फिर मूव कराते हैं, तो एक बार फिर से डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है और अब की बार डिफ्लेक्शन जो होता है वो लेफ्ट वार्ड होता है. ठीक है, और ये रहा इंडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट. ठीक इसी तरह से अगर इस मैग्नेट को फिक्स कर दिया जाए, मैग्नेट को अगर स्टेशनरी कर दे और क्वाइल को रोटेट कराएं, एक बार जो है नॉर्थ की तरफ रख करके, यानी नॉर्थ मैग्नेट जो है नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को क्वाइल को फेस कर रहा हो और क्वाइल को रोटेट कराते हैं, तो डिफ्लेक्शन फिर से वही देखने को मिलता है कि राइट वार्ड डिफ्लेक्शन होता है और जब
फिर से मैग्नेट का पोल चेंज कर देते हैं, इसको साउथ को कॉइल की तरफ कर देते हैं और नॉर्थ को उसके अपोजिट कर देते हैं और मैग्नेट को स्टेशनरी करके कॉइल को रोटेट कराते हैं, तो डिफ्लेक्शन फिर से होता है और लेफ्ट वार डिफ्लेक्शन होता है। तो फोर कंडीशंस आ रही हैं। फोर कंडीशंस क्या हैं? कंडीशन नंबर वन कि इस मैग्नेट को इसके नॉर्थ पोल के साथ कॉइल के रिस्पेक्ट में मूवमेंट कराते हैं तो करंट इंड्यूस होती है इसमें, यानी कि इसमें चार्जेस डेवलप होते हैं कॉइल में। वो कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, इसका पॉइंटर जो है जीरो से राइट की तरफ ये मूव करता है। और फिर मैग्नेट के साउथ पोल को हम कॉइल की तरफ फेस कराते हैं, नॉर्थ पोल को अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं और फिर मैग्नेट को मूव कराते हैं। तो एक बार फिर से इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, एक मूवमेंट इसके पॉइंटर में देखने को मिलता है और वो मूवमेंट होता है आपकी बार लेफ्ट की तरफ। ये रहा मैग्नेटिक मोशन, यानी मैग्नेट को मूव कराने पर हमको चेंजेस दिखाई पड़े। और टू इफेक्ट्स हैं कि जब हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं और कॉइल को रोटेट कराते हैं और कंडीशन रखते हैं नॉर्थ का पोल जो है, यानी मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है कॉइल की तरफ रखते हैं और कॉइल को रोटेट कराते हैं, तो फिर से डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है और गैल्वेनोमीटर राइट डिफ्लेक्ट करता है। और फिर मैग्नेट के पोल को हम चेंज कर देते हैं, यानी साउथ को फेसिंग टुवार्ड्स कॉइल कर देते हैं, साउथ को जो है कॉइल की तरफ कर देते हैं और कॉइल में मूवमेंट कराते हैं, तो फिर से डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है और मिलता है लेफ्ट। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि व्हेन कॉइल इज केप्ट स्टेशनरी, मैग्नेट इज मूव्ड, देन आल्सो करंट इज जनरेटेड इन द कंडक्टर, एज वेल एज व्हेन मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी एंड कॉइल इज मूव्ड, इन दैट सिचुएशन आल्सो करंट इज जनरेटेड, मींस गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द करंट। बट इफ कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर केप्ट स्टेशनरी, यानी कि कॉइल और मैग्नेट जब दोनों को हम बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में रखते हैं जैसा कि अभी बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इस सिचुएशन में अगर होता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो इस एक्टिविटी से ये जस्टिफाई हो जाता है कि अगर किसी मैग्नेट को हम कॉइल के पास मूव कराएं या किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं, रोटेट कराएं, दोनों सिचुएशंस में कॉइल में करंट जनरेट होती है, मीन्स कॉइल में चार्जेस डेवलप हो जाते हैं और चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। और यही है पूरा कंक्लूजन एक्टिविटी नंबर 13.8 का। तो बस जस्ट टू लाइंस में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो फेनोमेनन है कि जिसमें जब हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं या फिर कॉइल को स्टेशनरी रख करके मैग्नेट को रोटेट कराते हैं, दोनों सिचुएशंस में कंडक्टर में करंट जनरेट होती है, करंट इंड्यूस होती है और इसी फेनोमेनन को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यही हमने एक्टिविटी नंबर 13.8 में अभी स्टडी किया है, डिस्कस किया। और गैल्वेनोमीटर क्या होती है? गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि एमीटर करंट को मेजर करता है तो वो करंट की वैल्यू बताता है कि करंट कितनी होती है, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर सिर्फ आपको ये बता देगा कि इसमें चार्जेस प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट हैं। तो जब किसी भी सर्किट से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो निडिल होती है, उसकी पॉइंटर, उसमें डिफ्लेक्शन होगा लेफ्ट या राइट, वो जब करंट उस कंडक्टर में फ्लो कर रही होगी। तो मीन्स गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट। इन नॉर्मल कंडीशन पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर इट स्टेज एट जीरो इन द मिडल, बट वेन करंट्स आर फ्लोइंग इट डिफ्लेक्ट आइदर लेफ्ट और राइट टू द जीरो मार्क डिपेंडिंग अपन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कि करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे होगी तो राइट वार डिफ्लेक्शन होगा और करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाएगी ऐसे तो लेफ्ट वार डिफ्लेक्शन होगा। ठीक, सेकेंड थिंग फ्रॉम दिस फिगर, करंट इंड्यूस्ड इन क्वाइल। अभी तक हमने क्या देखा कि क्वाइल या कंडक्टर को मूव कराते हैं दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो करंट इंड्यूस होती है सर्किट में, लेकिन यहां पर एक दूसरी एक्टिविटी है कि क्वाइल ए विच हैज बीन कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस बैटरी एंड क्वाइल बी विच इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड हियर? व्हेन वी प्लग इन द की एंड करंट फ्लोज इन क्वाइल ए, तो बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन क्वाइल ए पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड हियर एंड द फ्लो ऑफ चार्जेज इन क्वाइल ए दिस इंड्यूसेस द करंट इन क्वाइल बी। मींस कि इस क्वाइल ए को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है और क्वाइल बी को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, और जब हम इस सर्किट को स्विच ऑन करते हैं और इसमें जब बैटरी से होकर के करंट क्वाइल में फ्लो करती है, क्वाइल में जब रन करती है, तो क्वाइल ए में करंट रन करने की वजह से यहां क्वाइल बी में जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है
और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब देखने को मिलेगा, जब इस क्वाइल में करंट फ्लो करेगी। तो बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन क्वाइल ए, करंट इज इंड्यूस्ड और पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन क्वाइल बी। तो मींस करंट इज आल्सो इंड्यूस्ड इन ए क्वाइल बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अनदर क्वाइल जस्ट नियर बाय इट, एंड दिस विल बी सी इन एक्टिविटी नंबर 13.9। ये हमारा रहा 13.8 एक्टिविटी, और ये है एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी नंबर 13.9। और 13.9 को जरा सा हम रीड करते हैं कि टू डिफरेंट क्वाइल्स को जो कि कॉपर वायर की बनी है, जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ टर्न नियर अबाउट 50 से 100 टर्न होने चाहिए, 50 टू 100 टर्न्स की जब क्वाइल लेते हैं और उसको जो है हम एक नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रॉड पे कनेक्ट किया है, यानी कि ये जो रॉड आपका दिखाई दे रहा है ये नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रॉड है, यानी ये कंडक्टर नहीं है कि अगर इसमें करंट फ्लो करेगी तो उसकी रॉड के थ्रू होते हुए इस क्वाइल में भी आ जाएगी, नहीं, ये इंसुलेटर का रॉड है और उसी इंसुलेटर के रॉड पे दोनों क्वाइल को हमने चढ़ा दिया, दोनों क्वाइल को इस पे पेश कर दिया। यानी कि मान लो कि ये आपका इंसुलेटर है, एक क्वाइल को हमने यहां लगा दिया और एक क्वाइल को यहां लगा दिया और बीच में देखिए गैपिंग है और ये इंसुलेटर है, तो चार्जेस इस क्वाइल से इस क्वाइल में या इस क्वाइल से इस क्वाइल में नहीं जा सकते। तो वही यहां पे किया गया है कि क्वाइल ए और क्वाइल बी को एक सिलिंड्रिकल रॉड पे किया गया है जो कि इंसुलेटर है। अब क्वाइल ए को कनेक्ट किया गया इलेक्ट्रिक सोर्स या बैटरी से और क्वाइल बी को कनेक्ट किया गया गैल्वेनोमीटर से, और जब इसमें हम प्लग इन करते हैं की को, यानी कि जब इसमें की लगाते हैं और सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट करती है, तो जब करंट क्वाइल से होकर के जाती है ऐसी सिचुएशन में इस क्वाइल में करंट फ्लो करने की वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन यहां देखने को मिलता है, और ये इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये इस बात को जस्टिफाई करता है कि एक क्वाइल में अगर करंट फ्लो कर रही हो तो दूसरी क्वाइल में भी करंट इंड्यूस हो जाती है उसकी वजह से, अगर वो क्वाइल उसके नियर बाई पड़ रही है, उसके मैग्नेटिक फील्ड में आ रही है। यही है कंक्लूजन एक्टिविटी नंबर 13.9 का। और अगर हम इस क्वाइल को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दें, यानी क्वाइल को बैटरी से डिस्कनेक्ट करें, और फिर हम ये देखेंगे कि डिफ्लेक्शन जो है अपोजिट साइड होगा, यानी कि जब हम इसमें की को प्लग इन करेंगे और करंट की डायरेक्शन ऐसे फ्लो करेगी तो इसमें डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में किधर होगा, राइट की तरफ होगा, और जैसे ही स्विच को हम निकाल लेंगे तो एक बार रिवर्स करंट जाएगी और करंट के रिवर्सल की वजह से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में यानी अपोजिट डिफ्लेक्ट होती है। और यह है एक्टिविटी नंबर 13.9। तो अभी तक के टोटल डिस्कशन का कंक्लूजन यह है, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम क्वाइल को रोटेट कराते हैं तो क्वाइल में करंट इंड्यूस होती है, या फिर क्वाइल को स्टेशनरी रखकर अगर मैग्नेट को मूव कराते हैं तो जो है क्वाइल में करंट इंड्यूस होती है, और अगर एक क्वाइल को हम करंट सप्लाई देते हैं यानी उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं और उसके मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि जब क्वाइल में करंट फ्लो करेगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होगा, और अगर उसके मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरी क्वाइल आती है तो उस क्वाइल में करंट इंड्यूस हो जाती है। तो यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की टोटल स्टोरी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने इस रूल को दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेनन के थ्रू जो करंट इंड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन को डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। और ये बिल्कुल सिंपल रूल है, जैसे कि लेफ्ट हैंड रूल था कि स्ट्रेच द फर्स्ट थ्री फिंगर मीन्स थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि अपने राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर इन तीनों को परपेंडिकुलर टू ईच अदर अगर हम स्ट्रेच करते हैं या ओपन करते हैं, एंड सपोज दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब जो है मोशन की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, एंड फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये हो गई मोशन की डायरेक्शन और ये हो गई फील्ड की डायरेक्शन, ये है आपकी करंट की डायरेक्शन होगी। तब मीन्स इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट थ्री फिंगर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड सपोज थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ motion and first finger points in the direction of magnetic field, then middle finger will point in the direction of current induced, यानी कि अगर ये कंडक्टर के मोशन को शो कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है तो ये जो आपका मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन जो कि करंट इंड्यूस हो रही है सर्किट में उसको शो करेगा। और यही आपके बुक में भी दिया है कि when
वी स्टिच द थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इफ फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर देन मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट. तो यही है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक जनरेटर. और इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो हम स्टडीज करेंगे उसमें है पॉइंट्स हमारे डेफिनेशन, यूज, स्ट्रक्चर, वर्किंग, एसी एंड डीसी, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्वाइल को मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और यह क्वाइल का मूवमेंट जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू होता है. और मैकेनिकल एनर्जी कहां से आती है, जनरेटर में फ्यूल जो देते हैं हम, यानी डीजल का यूज करते हैं, और डीजल का यूज करके जनरेटर को हम चलाते हैं. तो जिस चलाने में क्या है कि क्वाइल जनरेटर की रोटेट कराई जाती है मैग्नेटिक फील्ड में. तो जब मैग्नेटिक फील्ड में क्वाइल रोटेट करती है तो अभी आपने स्टडी किया है कि क्वाइल में करंट इंड्यूस हो जाता है. तो यही इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्क है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेनन को यूज करके जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. इलेक्ट्रिक जनरेटर का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, ये एक रोटेटिंग डिवाइस है जैसे कि मोटर है. और इलेक्ट्रिक जनरेटर में नियर अबाउट सारी चीजें, सारा जो एडजस्टमेंट होता है वो मोटर के जैसा ही होता है कि टू मैग्नेट्स हैं, एक मैग्नेट आपका ये हो गया और दूसरा मैग्नेट यानी सेकंड मैग्नेट ये हो गया. तो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और इस मैग्नेट का साउथ पोल, यानी कि टू मैग्नेट्स जिनके की पोल्स क्या है, अपोजिट, फेसिंग टू ईच अदर, यानी फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर है. और उस मैग्नेट के बीच में यानी उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में एक क्वाइल जिसको कि यहाँ पे ए बी सी डी से दिखाया गया है, ए बी सी डी, और क्वाइल आपका ये है. इस ए बी सी डी क्वाइल को प्लेस किया गया है और इस क्वाइल को हम आर्म ए बी को कनेक्ट करते हैं एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर को से जिसको कहते हैं स्लिप रिंग. यानी ये क्या है, स्लिप रिंग, जिसको कि आर वन से यहाँ पे शो किया गया और आर्म सी डी को एक दूसरी रिंग से कनेक्ट किया है जिसको कहते हैं स्लिप रिंग वो भी, और उसको यहाँ पे शो किया गया किससे, आर टू से, उसको आर टू बताया गया है. मीन्स इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैग्नेट, मैग्नेट के बीच में एक रेक्टेंगुलर क्वाइल ए बी सी डी, और ए बी सी डी की क्वाइल यानी दोनों आर्म को, आर्म ए बी को एक इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर यानी ऐसे रिंग आर वन से, और आर्म सी डी को एक दूसरी रिंग से आर टू से कनेक्ट किया गया है. और इन दोनों रिंग्स को अब देखिए, रिंग जो है आर वन ये एक कार्बन ब्रश के कांटेक्ट में है जिसको कि यहाँ पे दिखाया गया बी वन, और उसी तरह से रिंग आर टू एक दूसरे कार्बन ब्रश के कांटेक्ट में है जो कि है बी टू. और इस पूरे को यानी इस पूरे क्वाइल को, इस पूरे सर्किट को कनेक्ट किया गया बाहर किससे, गैल्वानोमीटर से. तो मोटर में क्या था कि हम बाहर से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई देते थे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया जाता था. लेकिन यहां पे क्या है कि जनरेटर में क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाता है, और क्वाइल जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उससे करंट क्वाइल में इंड्यूस होती है और वो इंड्यूस्ड करंट बाहर सप्लाई दी जाती है जो कि गैल्वेनोमीटर यहाँ पर डिटेक्ट करता है, या इसमें जो करंट जनरेट होती है वो हम सर्किट में बाहर सप्लाई देते हैं और उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है. तो मोटर और जनरेटर दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सारे लगभग कंपोनेंट्स भी सेम है. सिर्फ मोटर में होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर के मैकेनिकल एनर्जी जनरेट की जाती है, और जनरेटर में क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर हमको इलेक्ट्रिकल यूजेज के लिए सप्लाई दी जाती है. अब है वर्किंग प्रिंसिपल. इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही प्रिंसिपल पे वर्क करता है, या फ्लेमिंग
राइट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और वो प्रिंसिपल क्या है कि जब हम किसी क्वाइल को या किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो क्वाइल में करंट इंड्यूस हो जाती है। मीन्स वेन वी रोटेट ए क्वाइल आर ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द क्वाइल आर कंडक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑन दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक जनरेटर फंक्शंस। इसी पे इलेक्ट्रिक जनरेटर अपना काम करता है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल वर्किंग मैकेनिज्म है कि व्हेन क्वाइल इज मूव्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड लेट आर्म ए बी मूव्स अपवर्ड, यानी कि क्वाइल जो है ए बी सी डी पूरा पूरा स्ट्रक्चर, हाँ एक पॉइंट और कि इस पूरे पूरे स्ट्रक्चर में ब्रशेज स्टेशनरी होते हैं, ब्रशेज की पोजीशन अपनी फिक्स होती है, जबकि ये स्लिप रिंग, ये एक्सल और ये क्वाइल, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें मूव करती हैं। स्लिप रिंग इसको नेम क्यों दिया गया, क्योंकि ये रिंग जो होती है वो ब्रशेज पे स्लिप करती है, ब्रशेज पे ऐसे फिसलती है, यानी घूमते हुए ऐसे रोटेट करती है तो ऐसे घिसते हुए जाती है इस पे, यानी ऐसे रोटेशन कर रहा है इस पे घिसते हुए जाती है, इसलिए इसको स्लिप रिंग नाम दिया गया। तो स्लिप रिंग्स अलॉन्ग विद क्वाइल एंड एक्सल, ये जो आपका दिखाया गया है ये क्या है, ये एक्सल है। तो एक्सल, क्वाइल और स्लिप रिंग ये पूरा मूव करते हैं, जबकि ब्रशेज स्टेशनरी होते हैं। तो वर्किंग मैकेनिज्म, व्हेन क्वाइल मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड लेट आर्म ए बी मूव्स अपवर्ड एंड सी डी मूव्स डाउनवर्ड, यानी ऐसे मूवमेंट हो रहा है कि ए बी ऊपर आ रही है और सी डी नीचे की तरफ जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, करंट इंड्यूस्ड इन द आर्म ए बी दैट विल बी फ्रॉम ए टू बी, यानी कि जब क्वाइल इस तरह से मूव करेगी कि ए बी अपवर्ड मूव करेगा और सी डी डाउनवर्ड मूव करेगा, इस सिचुएशन में आर्म ए बी में करंट की डायरेक्शन जो हो जाएगी ए से बी की तरफ हो जाएगी और आर्म सी डी में करंट की डायरेक्शन सी से डी की तरफ हो जाएगी। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, मोशन आपका अपवर्ड हो गया, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ये सिचुएशन हो जाएगा जैसे यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। और ठीक उसी तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मोशन डाउनवर्ड हो रहा है तो करंट इधर इंड्यूस हो रही है, ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक। आफ्टर हाफ रोटेशन जस्ट लाइक मोटर, यानी कि जब ये रोटेशन हो रहा है और हाफ रोटेशन यानी 180 डिग्री रोटेट करने के बाद सी डी क्या हो जाएगी, सी डी डाउनवर्ड जा रही है तो घूम करके यहां आ जाएगी और ए बी अपवर्ड जा रही है तो अभी ए बी पलट करके यहां पे आ जाएगा। हाफ रोटेशन कंप्लीट होने के बाद ए बी जो है सी डी के प्लेस पे आ जाएगा और सी डी ए बी के प्लेस पे आ जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, अब दोनों में करंट की डायरेक्शन अल्टर होगी। कैसे होगी, देखिए इसको थोड़ी देर के लिए इरेज करते हैं और लेबलिंग को चेंज करते हैं हम। हाफ रोटेशन के बाद की जो पिक्चर होगी कुछ ऐसी होगी कि आफ्टर हाफ रोटेशन डी यहां पे आ जाएगा, सी यहां पे पहुंच जाएगा, बी यहां पे हो जाएगा और ये यहां पे हो जाएगा। तो आफ्टर हाफ रोटेशन अब सी डी जो है एबी के प्लेस पर है और एबी सी डी के प्लेस पे है, तो अब सी डी में अपवर्ड मूवमेंट होगा क्योंकि क्वाइल ऐसे घूम रही है, तो सी डी में अपवर्ड मूवमेंट होगा और ए बी में डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। तो अब सी डी में करंट की डायरेक्शन सेकेंड हाफ रोटेशन के लिए डी टू सी हो जाएगी और ए बी में बी टू ए हो जाएगी, यानी उसी चीज को यहां पे शो किया गया है कि जब ए बी अपवर्ड मूव करेगा सी डी डाउनवर्ड मूव करेगा तो करंट की डायरेक्शन होगी ए बी सी डी। और हाफ रोटेशन के बाद जब आर्म ए बी डाउनवर्ड मूव करेगी और सी डी अपवर्ड मूव करेगी तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डी सी बी ए, ठीक। तो इस तरह से जनरेटर फंक्शन करता है, ये जनरेटर का वर्किंग मैकेनिज्म है। लेकिन एक पॉइंट यहां पे जो मार्क करने वाली बात वो है कि आप देख रहे होंगे कि हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फर्स्ट हाफ में करंट की डायरेक्शन ए बी सी डी है, यानी ए से बी सी डी हो रहा था, लेकिन सेकंड हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन डी सी बी ए है। या अभी ऐसे देखें तो अभी इस फिगर में करंट की डायरेक्शन डी सी बी ए है, लेकिन जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद यानी आर्म्स की पोजीशन हो जाएगी इस तरह से ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी डी सी बी ए। तो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट इन क्वाइल चेंजिंग, यानी कि हर हाफ रोटेशन के बाद क्वाइल में करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, एंड सच ए करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। मींस व्हेन एनी क्वाइल डायरेक्शन ऑफ करंट अल्टर्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल, तो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग मींस चेंजिंग, तो व्हाट चेंजिंग, जस्ट डायरेक्शन चेंजिंग। यानी अल्टरनेटिंग मतलब क्या है,
ऐसी करंट जो कि चेंज हो रही है। तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वो करंट जिसकी डायरेक्शन हाफ रोटेशन के बाद अल्टर होती है या चेंज होती है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, तो ये है पूरा पूरा सेटअप इलेक्ट्रिक जनरेटर का। और वो जनरेटर जो कि एसी करंट फ्लो करता है, यानी कि ऐसा जनरेटर जिसमें कि करंट जो फ्लो करती है वो अल्टरनेटिंग होती है, तो उसको बोलते हैं एसी जनरेटर। तो ये कैसा जनरेटर है? एसी जनरेटर है, क्योंकि ये करंट जो जनरेट करता है उसकी डायरेक्शन हाफ रोटेशन के बाद अल्टर हो रही है, तो ये एसी जनरेटर हो गया। लेकिन एसी जनरेटर को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस हमारे ऐसे होते हैं जो कि डीसी पे फंक्शन करते हैं। तो डीसी करंट जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस ये है कि स्लिप रिंग की जगह हम क्या लगाते हैं, स्प्लिट रिंग लगाते हैं। स्प्लिट रिंग मतलब ऐसे लग जाता है, ये स्लिप रिंग ना होकर के क्या लगता है, स्प्लिट रिंग, जैसे कि मोटर में लगा था स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, बस यहां पे क्या हो जाएगा, स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर लगा देंगे, यानी कि हाफ रिंग। पहले हमने क्या लगाया था, जो था ऐसे फुल रिंग लगाई थी, लेकिन जब इस जनरेटर को डीसी में बनाना है तो डीसी में सिर्फ क्या करेंगे, फुल नहीं बल्कि हाफ रिंग लगाएंगे, यानी स्प्लिट रिंग लगाएंगे। और हम जब स्प्लिट रिंग का यूज कर देते हैं, सारा का सारा स्ट्रक्चर वैसे होगा, मैग्नेट वही होगा, क्वाइल वही होगी, एक्सल वही होगा, ब्रशेस वही होंगे, गैल्वेनोमीटर वही होगा, सारी चीजें वही होंगी। सिर्फ स्लिप रिंग की जगह जब हम स्प्लिट रिंग का यूज कर लेते हैं तो क्या होता है, कम्यूटेटर और स्लिप रिंग इज अ डिवाइस दैट एडजस्ट द करंट, जो कि करंट के डायरेक्शन को अल्टर होने से रोकती है। कैसे रोकती है, ये देखिए कि जब ए बी रोटेट होकर सी डी के प्लेस पे आएगा, तो क्योंकि ये स्प्लिट रिंग है तो ब्रशेज से इसका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब सी डी रोटेट होकर ए बी के प्लेस पे आएगी, तो इधर क्योंकि ये रिंग क्या है, स्प्लिटेड है, कट है, तो ब्रशेज से इसका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। और इस सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर, करंट डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन वो आउटर सर्किट में सप्लाई नहीं करेगी। एक बार फिर से समझ ले कि डीसी जनरेटर में क्या होता है, स्लिप रिंग की जगह स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं, और स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर भी कहा जाता है। कम्यूटेटर वो डिवाइस होती है जो कि करंट के डायरेक्शन को चेंज करने का काम करती है, या अल्टर करने का काम करती है, एडजस्ट करने का काम करती है। तो एडजस्टमेंट कैसे होता है कि जब हम स्प्लिट रिंग यूज कर रहे हैं, तो जब हाफ रोटेशन के बाद एबी सीडी की पोजीशन में आएगा और सीडी एबी की पोजीशन में आएगा, तो ब्रशेस से दोनों का कांटेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी एक बार में एक ही कांटेक्ट में रहेगा। जैसे अगर स्लिप रिंग लगाए हैं हम स्प्लिट रिंग, तो एक बार अगर आर्म एबी कांटेक्ट में है तो दूसरी बार में सीडी कांटेक्ट में आएगी उसकी। स्प्लिट रिंग में बस इतना ही एडजस्टमेंट होता है कि अगर फर्स्ट हाफ रोटेशन में एबी ब्रशेस के कांटेक्ट में है तो सेकंड हाफ रोटेशन में सीडी ब्रशेस के कांटेक्ट में रहेगी, और इस तरह से जब एबी इधर है तो एबी की यानी डायरेक्शन क्या है, ए टू बी है, और जब सीडी इधर आएगा तो उसमें बी करंट डायरेक्शन क्या होगी, डी टू सी होगी। तो देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, ऑटोमेटिक एक साइड मेंटेन हो रही है। तो यही है डीसी करंट। डीसी करंट क्या होती है कि ए करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, यानी वो डायरेक्ट करंट या डीसी करंट है जिसकी डायरेक्शन जो है टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, उसको डायरेक्ट करंट या डीसी कहते हैं। और किसी भी एसी जनरेटर को डीसी बनाने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर यूज कर लेते हैं। और इस अरेंजमेंट से क्या होता है कि हमेशा जब रोटेशन होगा, आर्म्स मूव करेंगी, तो हमेशा एक ही ब्रश के कॉन्टैक्ट में रहेगा आपका पूरा पूरा क्वाइल या स्ट्रक्चर, और जिससे वन डायरेक्शनल करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये रहा एसी और डीसी जनरेटर का एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं एसी करंट और डीसी करंट के बारे में, क्योंकि हमने देखा कि एसी करंट जनरेट होती है और डीसी करंट जनरेट होती है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और दोनों के डेफिनेशन क्या है। एसी करंट द करंट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो आफ्टर रेगुलर इंटरवल कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, एंड करंट दैट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो विथ टाइम दैट इज कॉल्ड डीसी करंट, यानी वो करंट जो कि रेगुलर इंटरवल पे अपनी फ्लो की डायरेक्शन चेंज करती है उसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और वो करंट जो कि टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती उसको कहते हैं डीसी करंट। सेकेंड डिफरेंस है वो है पावर का, एसी करंट मोर पावरफुल होती है, डीसी करंट लेस पावरफुल होती है, यानी एसी इज मोर पावरफुल, डीसी इज लेस पावरफुल इन कंपेरिजन। थर्ड डिफरेंस, ट्रांसमिशन ऑफ एसी करंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज इट इज इजी एंड कन्वीनियंट, यानी कि एसी करंट को लंबी दूरी तक, लॉन्ग डिस्टेंसेज तक
ट्रांसमिट कराना या उसकी सप्लाई देना ये आसान होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है, जबकि डीसी करंट इज नॉट फीजिबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशंस, यानी कि लंबी दूरी की सप्लाई के लिए डीसी करंट यूजफुल नहीं होती है या डीसी करंट नहीं हो सकती है। तो ये एक डिफरेंस है। और अगर हम एसी का डीसी के ऊपर एडवांटेज देखें तो क्योंकि एसी जो है ज्यादा पावरफुल है और वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट की जाती है, इसलिए एसी का एडवांटेज ज्यादा है इन कंपेरिजन टू डीसी। तो 3 पॉइंट डिफरेंसेज हैं, एसी की डायरेक्शन रेगुलर इंटरवल पे चेंज होती है जबकि डीसी करंट की डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। एसी करंट ज्यादा पावरफुल होती है, डीसी करंट कम पावरफुल होती है। एसी करंट का ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए इजी होता है, कन्वीनियंट होता है, और डीसी करंट का ट्रांसमिशन यानी लंबी दूरी तक सप्लाई देना उनका कन्वीनियंट नहीं होता है, वो टफ होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये आज का हमारा टॉपिक था। और इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे ध्यान से और उसके बाद टेक्स्ट की स्टडी करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में क्लियर हो जाएगा। एंड दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।